ओके गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड्स में आ चुके भी हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। इसमें एक फिगर दे रखा है और दो पैरेलल लाइन बता रखी है। गौर से देखना इस क्वेश्चन को, आराम से करेंगे, शॉर्ट्स में नहीं करेंगे इसको। तो डी ई इज पैरेलल टू ए सी, तो डी ई इज पैरेलल टू ए सी, एक तो ये वाला बता रखा है जो मैं ग्रीन कलर से करने वाला हूँ ना, डी ई, ये वाला डी ई ए सी के पैरेलल बता रखा है, ये दो, ठीक है, ये लिखा हुआ। दूसरा बता रखा है डी एफ, ब्लू से बता देता हूँ, ये रहा डी एफ ए ई के पैरेलल बता रखा है, ठीक है। एक तो ये ब्लू ब्लू वाले आपस में पैरेलल बता रखे हैं और एक ही ग्रीन वाले डी ई और ए सी, और हमें ये प्रूव करना है बी एफ इज इक्वल टू एफ ई इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी अपॉन ई सी। तो बताओ कैसे प्रूव करोगे। थेल्स थ्योरम से होगा। इसमें क्या होगा, थेल्स थ्योरम दो बार लेंगे इसी फिगर में। अब देखो मैं आपको बताता हूँ गौर से क्या। सबसे पहले आप ट्राइंगल बी ए ई को देखो, बी ए ई, मैं पिंक कलर से बना रहा हूँ, बी ए ई, ये इस वाले ट्राइंगल को विजुलाइज करो बस, बी ए जो मैं डार्क कर रहा हूँ ना पिंक से, बी ए ई इसको विजुलाइज करो। और इसको जब आप विजुलाइज करोगे पिंक वाले को बी ए ई, तो इसमें कौन कौन सी दो, ये जो ब्लू से मैंने करी थी ये दोनों आपस में पैरेलल है, कौन सी, डी एफ, ये वाली डी एफ और ए ई, डी एफ और ए ई आपस में पैरेलल है, यानी ये वाला। तो अब ये हम जो ये पिंक वाला जो मैंने ट्राइंगल बनाया है बी ए ई, इसमें लगाएंगे पहले थेल्स थ्योरम। लिख देता हूँ ट्राइंगल बी ए ई, तो अब लगाओ थेल्स थ्योरम इसमें। तो इसमें थेल्स थ्योरम जब हम लगाएंगे, भाई जब दो लाइनें आपस में पैरेलल होती है तो कौन कौन सी पैरेलल है इसमें, डी एफ और ए ई, तो यानी कि बी डी, ये वाली लाइन, ये होता था ना थेल्स थ्योरम में, उसके जो साइड्स में जिस साइड में वो काटती है उसके रेशियो इक्वल होते हैं, तो बी डी अपॉन डी ए, तो बी डी अपॉन डी ए बराबर होगा बी एफ, ये ना डी एफ पैरेलल है तो यही कट रहा है, तो बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई, कैसे कराए, थेल्स थ्योरम से। तो इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, इसको हम फर्स्ट मान लेंगे। अब आप विजुलाइज करो दूसरा ट्राइंगल जो मैं ऑरेंज कलर से बताता हूँ। दूसरा ट्राइंगल आप विजुलाइज करो बी ए सी, यानी पूरा पूरा ये बड़ा वाला बी ए सी, पूरा पूरा मैं डार्क कर रहा हूँ ना, बी ए, ये पूरा बड़ा वाला, पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, ये विजुलाइज करो पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल बी ए सी। तो इन ट्राइंगल, यहाँ लिख देता हूँ इन ट्राइंगल बी ए सी, ट्राइंगल है ये, ट्राइंगल का साइन बी ए सी। अब इसमें क्या क्या पैरेलल है, इसमें पैरेलल है आपका डी ई और ए सी, तो डी ई मतलब ये वाली लाइन, ये मैं दोबारा डार्क कर रहा हूँ ब्लू से, डी ई और ए सी, तो इसमें डी ई पैरेलल है ए सी के, कोई दिक्कत नहीं आता। अब पैरेलल है, अब यहाँ पर भी थेल्स थ्योरम लगाओ, ट्राइंगल बी ए सी पूरे बड़े ट्राइंगल में डी ई और ए सी आपस में पैरेलल है, तो लगाओ थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम क्या कहेगी, बी डी अपॉन डी ए, क्योंकि डी ई यहीं पर ही काट रहा है, तो बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू डी ई है ना इसमें, तो यहाँ से बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी, तो ये हो गई हमारी क्वेश्चन टू। तो फर्स्ट और टू हमें प्रूव करना है ये। अब देखो दोनों इक्वेशन को गौर से देखो, फर्स्ट एंड सेकंड में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों में बराबर है, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए बराबर है ना, तो यानी कि राइट हैंड साइड भी दोनों के बराबर होंगे, तो हम इन दोनों को बराबर लिख लेते हैं। तो लिखेंगे बी एफ अपॉन एफ ई बराबर होगा ये वाला नीचे वाला बी ई अपॉन ई सी, देख लो यही प्रूव करना था, आ गया ना, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको मैं रिकमेंड करूंगा, दो तीन बार इस वीडियो को देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आने के पूरे चांस है, और कई बार आ भी चुका है, आई थिंक आपके 2016 में आ चुका है, 15 में भी आ चुका है, 11 में भी आ चुका है, मतलब आता रहता है ये, एक दो साल के गैप के बाद आता रहता है ये वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का ट्रिक क्या है, इस क्वेश्चन में दो बार थेल्स थ्योरम लिखी, एक बार ट्राइंगल बी ए में, एक बार ट्राइंगल बी ए सी में, और हमने लगाई और इन दोनों को फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर किया, तो हमें जो ये प्रूव करना था वही हमारा मिल गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखें और प्रैक्टिस करें, चलो।